दोस्तों आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मेसी ट्रैक्टर कंपनी का जो है स्मार्ट के नाम से 44 मॉडल आता है नया। प्राइस वगैरह इसका नहीं पता हमें और मॉडल भी इसका नहीं पता कर पाएंगे अभी क्योंकि इसका मालिक यहाँ पर नहीं बाहर गया हुआ है। तो चलो थोड़ा सा इसका रिव्यू जरूर कर लेते हैं हम। सबसे पहले बात इसके करते हैं कि इसके जो है लेंथ जो ट्रैक्टर की बहुत ही कम है, काफ़ी कम्फर्ट और छोटा ट्रैक्टर लेंथ के हिसाब से। इसका डीजल टैंक जो यहाँ है यहाँ पे है, इसका बाद में हम पता करके बता देंगे, प्रिंटिंग करके दे देंगे आपको कि क्या लीटर का डीजल टैंक है इसके अंदर। और इंजन की अगर इसकी बात करें तो देखते हैं क्या इंजन, क्या सिलेंडर इंजन इसके अंदर, तीन सिलेंडर ट्रैक्टर है ये। और HP वगैरह इसका नहीं पता हमें कितने HP का है, लेकिन आपको बाद में मालिक से पता करके बता देंगे। हेडलाइट की अगर बात करें तो शो के साथ ही अटैच होती हैं इसकी हेडलाइट जो है, काफ़ी इंटरेस्टिंग शो है। मैं सीरीज जो स्मार्ट सीरीज जो निकाल रखी है उसी का ये एक सैम्पल है। और स्टेयरिंग की जो है इसके अंदर दोनों तरफ से इसकी आर्म्स रोड निकली हुई होती है। और प्लेटफॉर्म इसका काफ़ी स्ट्रेट प्लेटफॉर्म है और काफ़ी खुला है, इस तरह का स्ट्रेट प्लेटफॉर्म आपने किसी के पास नहीं देखा होगा। और पायदान भी इसके अंदर इंटरेस्टिंग लगे हुए हैं बहुत ही, काफ़ी छोटे पायदान है दोनों साइड में। राइट साइड से हमने आपको दिखाते, लेफ्ट साइड से हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। ये इसी के अंदर इसके जो है अंदर जो है डीजल टैंक भी रखा है। चलो इसके ऊपर बैठ के बात करते हैं। अगर क्लच की बात करें इसके अंदर तो इसके अंदर डुअल क्लच इसके अंदर आती है, एक ही पैडल में डबल। और ये यहाँ पे इसके अंदर जो है इसके ब्रेक पैडल वगैरह है और ये यहाँ पे इसके रेस होगी, एक्सीलेटर हो गया पैर वाला। और ये इसके नीचे यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं इसका हाइलो लीवर है और ये इसका जो है मेन लीवर होता है। और गियर वगैरह की इसके अगर काउंटिंग करें तो इसके अंदर जो है 5 गियर होते हैं, ये यहाँ पे लिखे हुआ इंडिकेशन वगैरह दे रखे हैं, 4 फॉरवर्ड्स और 1 रिवर्स, यानी कि 5 गियर है। और हाइलो मिला करके इसके अंदर टोटल 10 गियर आते हैं, यानी कि 8 फॉरवर्ड्स और 2 रिवर्स। और इसके लिफ्ट और लीवर वगैरह यहाँ नीचे की साइड है थोड़े से ये रहे यहाँ पे होते हैं। और सीटों के ऊपर इसके अंदर जो है आपको मुर्गाटों के ऊपर जो सीट लगवाने की जरूरत नहीं है, इन्होंने कंपनी ने इसके ऊपर एक एंटी की फाइबर टाइप की सीट इसके ऊपर दोनों साइड दे रखी है, जिसके ऊपर ना तो आपको कपड़ा लगवाने की जरूरत है ना ही आपको फोम वगैरह लगवाने की जरूरत है। ये एडजस्टेबल और स्ट्रेचेबल दोनों तरह की होती है। मुर्गाटे के ऊपर भी इन्होंने यहाँ पे कंपनी ने फाइबर लगा के दे रखी ताकि आप बैठते हैं तो दोनों साइड में कोई जंग वगैरह या आपके पैरों से स्क्रैचेज वगैरह ना लगे। काफ़ी कम्फर्ट ट्रैक्टर है और काफ़ी छोटा भी है। इसके टायर साइज की अगर हम बात करें तो फ्रंट टायर जो इसके अंदर है 6-16 का आता है, जबकि रियर टायर की इसकी अगर हम बात करें तो 13-28 का इसके अंदर रियर टायर आता है। वो किसके अंदर एडजस्टेबल नहीं होता और सीधे एक्सल के साथ ये ट्रैक्टर है। पीछे से भी काफ़ी अलग लुक आपको इसकी नज़र आएगी, वैसे काफ़ी पुराना ट्रैक्टर हो रखा है। कम देख रेख के कारण इसके ऊपर जो है ग्लाउट वगैरह तो आ गई है, लेकिन ट्रैक्टर की अगर लंबाई देखें तो काफ़ी छोटा ट्रैक्टर है लेंथ के हिसाब से। बिल्कुल छोटी सी जगह में, जितनी जगह में यहाँ पे कि मतलब मेरे हिसाब से 8 या 10 फीट की चौड़ी, 10 फीट चौड़ी गली में आराम से घूम सकता है, मुड़ के आप ले जा सकते हैं इसको वापस बैक निकालने के बजाय। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैसी की स्मार्ट सीरीज है 44।